जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्रेमी भक्तों, यह मंत्र जप लो, जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। भक्तों, हर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, किसी के साथ भी होता है तब भी उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, ऐसा महसूस होता ही रहता है। लेकिन एक ऐसा मंत्र भी है, अगर उस मंत्र का जप करोगे तो आजीवन आप कभी अपने आप को अकेला महसूस करोगे ही नहीं, आपके साथ कोई भी नहीं होगा। वैसे तो आपके साथ 2, 4, 10, 20 आदमी हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन उनके होते हुए भी आप अकेले हो। जब कोई दुर्घटना होती है तो आपको कोई बचा नहीं पाता है, आप अपने आप को अकेला ही महसूस करते हो। तो जो हम बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनना और समझना और अपने जीवन में ज़रूर उतारना, तो आप पूरा जीवन अपने आप को कभी अकेला महसूस करेंगे ही नहीं। हम हर वीडियो में बताते हैं और बताने का हमारा प्रयास जारी रहेगा, लेकिन आप समझो और समझ करके जीवन में उतारो तो आपको किसी भी क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। यह मंत्र है ही इस तरह का। देखो भक्तों, हमारे जीवन में जन्म लेते ही और श्वास प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पूरा जीवन चलती है। तो आप यह समझ लें कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ वह प्राण शक्ति रहती है जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। यह आपको अपने मन में बिठाना होगा और इससे जुड़ने के लिए संतों ने हमें सोहम मंत्र दिया है, जो श्वासों में प्राकृतिक है। ये नहीं कि हम अपने मन से कुछ जोड़ देंगे, नहीं, मन से कुछ नहीं जोड़ना है। आप श्वास ऊपर लें तो सो की ध्वनि आती है और नीचे श्वास छोड़ते हम की ध्वनि आती है, तो यह प्राकृतिक है। तो इसको अगर अपने मन से और श्वासों के साथ जोड़े रखें तो यह मंत्र तो छुट जाएगा, लेकिन जो आपका अभ्यास है मन का श्वासों से जुड़ने का, वह कभी छूटेगा नहीं। और जब छूटेगा नहीं तो आप अपने आप को कभी अकेला महसूस करेंगे नहीं। यह 100% सत्य है, सिद्ध है, आप माने या ना माने। और यह भी आप जान सकते हैं कि इसके द्वारा ही हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सारी जितनी भी हमारी नस नाड़ियां हैं इसी के द्वारा चलती हैं, लेकिन हम इसको भूले हुए हैं, हमें याद नहीं। और जिनको हम याद दिला रहे हैं वो सुन भी लेते हैं लेकिन करते नहीं। अगर करेंगे तो वास्तव में सर्व सिद्धि कारक मंत्र है ये। ये कभी आपको अकेला महसूस होने देगा नहीं, लेकिन भाव और विश्वास, निरंतरता, एकाग्रता, वो आपको लानी होगी। उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, वह आपको स्वयं ही प्राप्त करना होगा। और वह प्राप्त क्या करना होगा, अगर आप मंत्र का सही से जाप करेंगे तो वह विश्वास, एकाग्रता, श्रद्धा सब अपने आप अपने अंदर से आपके अंदर उपजने लगेगा। और अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आपके मन के अंदर पूरी तरह उतर जाएगा। और जब मन के ऊपर उतर जाएगा तो मन ऐसा प्रफुल्लित हो जाएगा, ऐसा आनंदमय हो जाएगा, क्योंकि उसको भी वही चाहिए। वह बाहर की दुनिया भ्रमण तो कर रहा है लेकिन वो दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि उसे जो चाहिए वह मिल नहीं रहा है। अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे तो वास्तव में ही आपके मन की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, उलट हो जाएगी। वह संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, और वह अपने आप से जब जुड़ जाएगा तो आनंद की अनुभूति होगी और फिर अकेला आप महसूस करेंगे नहीं आपको।
यह आप बिल्कुल सच समझ लें। आशा करते हैं आप इस मंत्र का जाप जरूर करेंगे, और करते हैं तो उसको बढ़ा देंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।